वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सुलह के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बता दें कि इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए 43 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें पीठासीन अधिकारी, अधिवक्ता और सामाजिक सदस्य तैनात किए गए हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज और हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालतों में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू अर्जन, नगरपालिका निगम जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत आज रीवा शहर के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बता दें कि शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी, एडीजी केपी वेंकटेश्वर, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार वर्ष 2018 में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2019 में इस योजना में रीवा जिले को भी शामिल किया गया था, जिसमें हर वर्ष छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आपराधिक मानसिकता, नशे की लत, स्मोकिंग, छेड़छाड़ से विद्यार्थियों को दूर रखना और जरूरी सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचाने में विद्यार्थियों को जागरूक करना है। इसी के तहत आज रीवा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्यालय के छात्रों के साथ बैठक की गई, क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत हुई थी, उसी के तारतम्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी 2019 में ये पुलिस कैडेट योजना शुरू की गई थी, जिसमें रीवा जिले को भी चिन्हित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को आपराधिक मानसिकता से दूर रखना, नशे से दूर रखना, छेड़छाड़ और ऐसी बुरी आदतों से दूर रखना, साथ ही उनको जो सूचनाएं मिलती हैं आसपास अपने पड़ोस में, उन सूचनाओं से पुलिस को अवगत कराना, जिससे बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सके और उन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, उससे देश के तारतम्य में रीवा जिले में करीब 5 स्कूलों से 100 बच्चों का चिन्हांकन किया गया था, जिसमें 8वीं और 9वीं के बच्चे थे। इन बच्चों को 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद में सर्टिफिकेट वितरण किया जाना था। ये उसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वितरण का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे डीजी सर, कलेक्टर सर, एसपी सर इसमें पधारे हुए थे और सभी बच्चों को उन्होंने मोटिवेट भी किया, मार्गदर्शन भी किया और बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए, जिसमें नियम कानूनों का पालन करना, जिसमें साथ से ट्रैफिक का पालन करने के लिए एसपी साहब के द्वारा बताया गया, कलेक्टर साहब के द्वारा और बेहतर तरीके से उनको जीवन के आगे में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए बताया गया और रीडिंग सर के द्वारा भी उनको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया गया। उन बच्चों को यहाँ सर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत दिया गया, साथ ही स्कूलों के अध्यापकों को भी मोटिवेट किया गया कि वो अच्छे बच्चों को और अधिक सिखलाई जाए। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना के बाद लगातार देश में सभी वीर जवानों को और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में शासकीय आईटीआई रीवा के एनसीसी कैडेट ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रदीप पाठक, 33 एमपी बटालियन सागर के हवलदार गंगाराम और सभी एनसीसी कैडेट्स व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को नमन किया। वहीं आईटीआई के एनसीसी कैडेटों ने अपने हिस्से का रिफ्रेशमेंट खुद न ग्रहण करते हुए खुद से गरीब और छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से वितरित किए और कैंडल मार्च के दौरान जय हिंद, शत शत नमन और भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगाए गए। नईगढ़ी थाना अंतर्गत ऐतिहासिक अष्टभुजा धाम माता मंदिर परिसर के पास देवलहा प्रताप में शनिवार की सुबह गहरे कुंड के अंदर चरवाहों ने एक अज्ञात छत विच्छत लाश देखी। जानकारी के मुताबिक यह लाश एक हफ्ते पुरानी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मामले की सूचना नईगढ़ी थाना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव को प्रपात के अंदर से निकाला। बता दें कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, किसी न किसी व्यक्ति का शव मिल रहा है। पुलिस कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन शव के मिलने का थम नहीं रहा है। फिलहाल इस मामले की पुलिस पूरी जांच कर रही है।
बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। शहडोल जिले में फिर से वन विभाग की लापरवाही के कारण एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बता दें कि युवक का नाम शिव प्रसाद यादव बताया जा रहा है। खेत पर काम करने के दौरान बाघ ने युवक पर हमला किया, जिसमें किसान शिव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। शहडोल जिले से लगातार बाघ की मूवमेंट की खबरें सामने आ रही हैं। रिहायशी इलाकों में बाघ का मूवमेंट पिछले कई दिनों से था। कुछ दिन पहले भी एक चरवाहा पर बाघ ने हमला किया था, उसे अपना शिकार बनाया था, लेकिन बावजूद इसके किसी ठोस कदम के बजाय लापरवाही दिख रही है। यह पूरा मामला गोपारू वन परिक्षेत्र अंतर्गत रोहनिया का है। इस मामले में जिम्मेदार भी अभी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कल सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत मड़वास चौकी ग्राम मोहरिया से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही पत्नी की छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला का नाम उर्मिला बंसल बताया गया। महिला का ससुराल धुआडोल में था और इस समय महिला अपने मायके मड़वास बसोर मोहल्ला आई हुई थी, जहां महिला से मुलाकात करने उसका पति राजभान बंसल पहुंचा, पर न जाने दोनों के बीच ऐसी क्यान बन थी कि राजभान बंसल ने अपनी ही पत्नी पर छुरा भोंक दिया था और इसके बाद मौके से रफू चक्कर हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा उसे मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, पर उसकी मौत हो गई। बता दें कि घटना परसों रात करीबन 7 बजे की थी, जब यह घटना हुई, जहां से करीबन 11 बजे महिला का पोस्टमार्टम किया गया था। इस घटना को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था और घटना के बाद से ही मझौली थाना मड़वास चौकी पुलिस को उक्त आरोपी की तलाश कर रही थी। अब उस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, पुलिस कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ भी जारी है। बता दें कि पुलिस द्वारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जहाँ से पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीधी अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस की लगातार समझाइश के बाद भी मऊगंज नगर में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ कर रखे यहाँ के छोटे बड़े व्यापारी व बस ऑटो वालों के चलते भयावह जाम की स्थिति निर्मित रहती है। यातायात बाधित करने पर आमदा व्यापारियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशानुसार SDOP शैलेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य व SIGS मिश्रा द्वारा दलबल के साथ सख्त कार्यवाही शुरू की गई, जहां पर गोमती ठेला व दुकान लगाकर सड़क पर व्यवसाय फैला रहे दुकानदारों के ऊपर पुलिस की कार्यवाही न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिससे सड़क पर अवरोध व दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट एवं डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को माल सहित अपराध कायमी के चंद घंटे के अंदर ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नौरोजाबाद क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत ब्रदर्स ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मुंडी खोली कृष्ण कॉलोनी मोहल्ले में पाइपलाइन का कार्य JCB के द्वारा करवाया जा रहा था, और उसी दौरान शाम को क्षेत्र का निगरानी गुंडा बदमाश शीतल उर्फ फुकलू कोल अपने 4 अन्य साथियों के साथ कार्यस्थल पर पहुंचा। वहां पर उपस्थित लोगों से पैसों की मांग करने लगा, पर पैसा ना देने पर JCB संचालक महेश नायक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए सोने की चेन एवं वीवो कंपनी का मोबाइल और पर्स लेकर कागजात सहित 19,000 रुपये की लूट करते हुए मौके से भाग गए। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नौरोजाबाद थाना पुलिस ने आरोपियों के आर्म्स एक्ट का मामला आरोपियों पर पंजीबद्ध किया एवं गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद में कल दिनांक 9/12/2021 को एक शासकीय कार्य कर रहे JCB चालक फरियादी के साथ में 5 आरोपियों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट की और उसकी गले की चेन, उसका मोबाइल और कुछ पैसे जो उसके पास थे वो डकैती डाला और उनसे ये सामग्री लूट ली। तो पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 विभिन्न अपराधियों के आरोपियों के खिलाफ डकैती का मुकदमा पुलिस ने कायम किया और उनकी फिर घेराबंदी के लिए हमने अपनी टीमें लगाई। थाना प्रभारी नौरोजाबाद और SDOP पाली के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने काम किया। इसमें हमारे उमरिया हेडक्वार्टर से हमारे जो साइबर की टीम है उन्होंने भी काम किया और रात भर के अथक परिश्रम के बाद पुलिस ने रातों रात उन 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस जो 4 आरोपी हैं उनसे जो लूटे गए माल थे
उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुछ पैसे बचे हुए हैं, जो पांचवा आरोपी है उसके मिलने पे भी वो रिकवर हो जाएंगे। और इस प्रकरण में उल्लेखनीय ये है कि इसमें जो एक आरोपी है वो अत्यंत दुर्दांत आरोपी है, जो विभिन्न स्थानों पर एक थाना क्षेत्र में न होकर कई थाना क्षेत्रों मिलाकर करीब 40 अपराध उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। तो पुलिस ने इसमें इन सब की त्वरित गिरफ्तारी कर एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए जो भी कर्मचारी और अधिकारी हमारे इस कार्य में लगे थे उनको हम पुरस्कृत करने वाले। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।